ये मानने से कठिन नहीं है, श्रद्धा से कठिन है, इससे ज्यादा कठिन है। ये पूरा चार दिन का पर्व होता है। ये पहला दिन महान खान होता है, जब हम सात्विक तरीके से लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, और वो फिर उसके बाद में रात में लौकी चावल खाते हैं, चने की दाल खाते हैं, उसके अगले दिन पूरा दूसरे दिन खरना करते हैं, मीरा बलि व्रत रहते हैं, रात में हम लोग खीर चावल खाते हैं, गुड़ की खीर, चीनी की नहीं, गुड़ की खीर रहती है, वही खाते हैं। उसके बाद में आज का दिन छठ है, डाला छठ है, पूरा छठवें दिन तीसरे दिन हम लोग छठ डाला छठ के दिन मीरा बलि व्रत करते हैं सात्विक तरीके से। मेरा नाम विनू यादव है। विनू जी, ये कौन सा पर्व है, कितना कठिन माना जाता है, क्या क्या चढ़ा जाता है, किस तरीके से आज छठ है जो चार दिवसीय व्रत होता है। पहले इसकी शुरुआत खरना से होती है, नहाए खाए से होती है पहले दिन इसकी शुरुआत, उसके बाद खरना का व्रत रहता है, उसके बाद आज जो है पहला अर्घ है और कल दूसरे अर्घ के साथ ही इस पर्व की समाप्ति होगी। और इसमें सभी तरह के फल फूल, छह तरह के फल चढ़ाए जाते हैं तथा ठकुआ जो कि बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध अन्न है, आज के दिन वो जरूर चढ़ता है प्रसाद के रूप में। और इसे सूर्य देवता की आराधना की जाती है, सूर्य देवता का सबसे बड़ा ये पर्व है छठ का पर्व। क्या महत्व है इसका? महत्व है कि लोग अपने घर परिवार बच्चों संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत रहते हैं, व्रती महिलाएं चार दिन का व्रत रह करके अपने परिवार की कामना के लिए यह व्रत रहती है, निर्जला बिल्कुल ही निर्जला व्रत रह करके और ये व्रत रखा जाता है।